हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित नैनीताल के बारे में। नैनीताल जो कि अपने टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस है, तो अगर आप नैनीताल जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, चलिए हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजभवन, इसे गवर्नर हाउस के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तराखंड का दूसरा राजभवन है। पहला देहरादून में स्थित है। यह उत्तराखंड के गवर्नर का गवर्नमेंट कॉटेज है जिसमें 113 रूम्स और एक ह्यूज गार्डन, एक स्विमिंग पूल और एक गोल्फ लोन भी है। अगर आपको यहाँ घूमना है तो आपको पहले ही परमिशन लेना होगा। मॉल रोड। मॉल रोड नैनीताल का मेन सेंटर है शॉपिंग के लिए। यहाँ से आप लोकल फेमस और हैंडलूम प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। वैसे अब मॉल रोड का नाम चेंज कर दिया गया है और अब इसका नाम रखा गया है गोविंद वल्लभ पथ। किबरी बर्ड सैंक्चुरी। अगर आप बर्ड्स लवर हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। इस सेंचुरी में आपको 580 तरह के अलग अलग स्पीशीज के बर्ड्स देखने को मिलेंगे और ये सेंचुरी आपके लिस्ट में जरूर होना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट है नैनीताल में। अप्रैल टू मई बेस्ट सीजन होगा इस सेंचुरी को घूमने के लिए। टिफिन टॉप। यह टॉप आर्यपट्टा हिल पे मौजूद है जो कि नैनीताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक नैनीताल का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। आप यहां से हिमालयन रेंज की बहुत सारे माउंटेन्स देख सकते हैं और इस टॉप को डोरोथी सीट के नाम से भी जाना जाता है जो कि एक इंग्लिश आर्टिस्ट थी और वो यहां पे आके बैठ के अपने पिक्चर्स ड्रॉ करती थी। और इस हिल पे आपको चढ़ने में 4 से 6 घंटे का ट्रैक करना पड़ेगा। स्नो पॉइंट व्यू। यह पॉइंट नैनीताल से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक बहुत खूबसूरत और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है नैनीताल में। यहाँ पर आप रोपवे से भी जा सकते हैं और अपनी टैक्सी से भी पहुँच सकते हैं और इस जगह से हिमालयन रेंज के बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलते हैं। अक्टूबर और नवंबर के मौसम में यह जगह स्नो से ढकी हुई होती है। नैना पीक, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नैनीताल, जिसे चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता है। नैना पीक से पूरे नैनीताल का नजारा देखने लायक होता है। नैना पीक ही शायद नैनीताल के नाम से पड़ा है और जब आप यहां जाएंगे तो ये आपको एक बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस देने वाला है। भीमतल लेक। यह लेक एक नेचुरल लेक है जो 4500 फीट अबव सी लेवल है और इसका नाम भीम के नाम पर रखा गया था जो 5 पांडव में से एक थे। यह लेक नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर है जहां आप जाके बोटिंग भी कर सकते हैं और इस लेक के बीच में एक एक्वेरियम है जो कि एक आइलैंड टाइप पे है, वहां पे आप कई सारी मछलियां देख सकते हैं। केव गार्डन। इस गार्डन में आपको टाइगर केव, पैंथर केव, फ्लाइंग फॉक्स केव, एप केव, बियर केव और स्कुरिल केव, इस तरह के 6 तरह के केव देखने को मिलेंगे जो कि सारे नेचुरल केव्स हैं और ये सारे केव्स उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा देखभाल किए जाते हैं। नैनी लेक। ये लेक नैनीताल का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है जिसे 3 संतों के झील नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप पैडलिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और भी कई सारे वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं और यह एक बहुत ही लंबी झील है जो कि नैनीताल का बहुत ही फेमस झील है। आप यहाँ जब भी आएँ बोटिंग ज़रूर करें, ये आपको बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस देने वाला है। तो आपने अगर ये वीडियो हमारा यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें
हम आपको फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में जल्द।